कोरोना ने दी चीन में दस्तक। कोरोना की दस्तक ने मचाया चीन में कोहराम। कोहराम और तबाही के लिए कोरोना तैयार। कोरोना के कोहराम से क्या हार जाएगा चीन? चीन में लॉकडाउन, भारत कितना तैयार? आप सभी लोग सावधान हो जाइए, आप सभी को एक बार फिर से घर में बैठना पड़ सकता है, आप सभी को एक बार फिर से चेहरे पर मास्क चढ़ाना पड़ सकता है, बैग में सैनिटाइजर के साथ साथ प्रिकॉशन की चीजों को लेकर चलना होगा। एक और जहां भारत में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस प्रतिबंधों को अब हटाया जा रहा है, तो वहीं खबर है कि विदेशों में कोरोना वापसी की दस्तक दे रहा है। कोरोना एक बार फिर पूरे विश्व में कोहराम मचाने के लिए बेताब है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी देश चीन ने अपने सबसे बड़े शहर को आज से 5 दिन के लिए बंद रखने के साथ लॉकडाउन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि चीन ये कदम बहुत मजबूरी में उठा रहा है, क्योंकि चीन को बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग के साथ ही बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस पर भी कंट्रोल करना है। दरअसल कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके चीन के शंघाई शहर में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। मार्च की शुरुआत से ही यहां कोरोना के केस बढ़ने लगे थे। हाल के दिनों में ये कोविड का हॉटस्पॉट बन गया। पिछले दिन 2676 नए मामले सामने आए, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया। इसके साथ ही रोचक और अनोखी बात ये भी सामने आ रही है कि हांगकांग यूनिवर्सिटी की ओर से साझा की गई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि खुद को लगातार विकसित कर रहा चीन प्रभावी वैक्सीन बनाने में नाकाम हुआ है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि चीन में फिर से तबाही मचा रहा कोरोना अपने पैर किन किन देशों में पसारता है। देखना ये भी रोचक होगा कि भारत कोरोना से लड़ने के लिए कितना तैयार है। इंतजार अब इस बात का है कि चीन में लगने वाला लॉकडाउन कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।